नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री की सभा में हंगामा करना अतिथि शिक्षकों को भारी पड़ गया। नारेबाजी से नाराज सीएम ने अतिथि शिक्षकों को मन से चेतावनी दी थी। सीएम शिवराज की चेतावनी के बाद हरकत में आए प्रशासन ने हंगामेबाज अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी। आप भी देखिए सीएम शिवराज के तीखे तेवर। इसमें अगर कोई व्यवधान पैदा करेगा तो उसकी बातें जिंदगी भर कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलो सही है कि नहीं, बताओ जनता बोल रहा सही है कि नहीं। ऐसे मांगवान पूरी नहीं होने वाली भैया तुम्हारी। गरीबों का मेला लगा है, उनके लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं हम, और यहाँ आगे होंगे पूरी करवाने की बात करने वाले। ऐसे सफल कभी नहीं हो सकते। ये एक्चुअली 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय दमोह पधारे थे, तो उनकी सभा के दौरान या जैसे ही वो बोलने के लिए माइक पर आए तो इन लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दी, तो थोड़ा सा नाराज हुए। इसके बाद सभा समाप्ति के बाद फिर कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया कि इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए, इनको आइडेंटिफाई करो और इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ही हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। 12 तारीख को ये घटना हुई तो 13 तारीख से हम लोगों ने इनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर दी। 22 लोग चिन्हित हुए थे। इससे पहले भी छतरपुर में सीएम शिवराज ने मंच से ही हंगामा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी। उस वक्त तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बीच में रोककर नारेबाजी से बाज आने की नसीहत दी थी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, एक मिनट केवल देखिए, ये अतिथि शिक्षक मुझे ज्ञापन दे देंगे, लेकिन हल्ला किया तो अतिथि रह जाओगे, फिर कभी परमानेंट नहीं हो पाओगे। नितिन जी आए हैं, उनका स्वागत करें, दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, और कार्यक्रम को डिस्टर्ब मत कीजिए। ये मुट्ठी वाले लोग बीच में ना अपने मांग पत्र उठा रहे हैं, ये चुप हो जाए और जो कुछ कहना है मामा से कहे, और नहीं मामा गुस्सा हो गया तो ऐसे ही रह जाओगे परमानेंट, फिर कुछ नहीं होगा। बोलिए भारत माता की। सीएम शिवराज के इन बदले तेवरों ने कामचोर सरकारी अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। सीएम के इस बदले अंदाज ने उन संगठनों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं जो कि चुनाव के नजदीक आते ही अपनी तमाम मांगे मनवाने को लेकर दबाव की रणनीति अपनाते हैं। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई ने विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा तो दे ही दिया है। फिलहाल दीजिए इजाजत, लॉग इन करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट indiafirst.online। नमस्कार।